दायंगल रे सगला दर्शका ने दीपाली माथुरी राम राम राजस्थान री खबर माए थाको स्वागत है। नजर डाल सिया ई वक्त री मुख्य खबरा पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश ने दी चिकित्सकीय सौगात, 5 जिला माए ऑक्सीजन प्लांट्स और अन्य चिकित्सा सुविधाओं रो करिया उद्घाटन और शिलान्यास। मुफ्त टीका रताई प्रदेश कांग्रेस रो अभियान, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राष्ट्रपति रे नाम राज्यपाल ने सौंपियो ज्ञापन। कांग्रेस रे मुफ्त वैक्सीन अभियान पर विपक्ष साध्यो हमलो, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कस्यो तंज। प्रदेश सरकार पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साध्यो निशानो, बोलिया के मेडिकल उपकरण खरीदबा माए आपदा माए दिख रियो छे अवसर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश ने चिकित्सा के क्षेत्र माए सौगात दी छे। मुख्यमंत्री 5 जिला माए ऑक्सीजन प्लांट्स और अन्य चिकित्सा सुविधाओं रा उद्घाटन और शिलान्यास करिया। कार्यक्रम माए मंत्री रघु शर्मा, हरीश चौधरी, साले मोहम्मद रसागे, अन्य मंत्री भी वीसी सुजुड़िया। मुख्यमंत्री आज बाड़मेर, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर और भीलवाड़ा ने चिकित्सकीय सौगात दी छे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सु ट्वीट कर अपील करिया छे। सीएम गहलोत बोलिया कि जी प्रकार पहली रेमडेसिविर इंजेक्शन के राज्य का आवंटन रो जिम्मो केंद्र सरकार अपने हाथ में लियो छो, विषय ही अब ब्लैक फंगस रे इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन रो आवंटन भी केंद्र ही कर रही छे। राज्य ने समय पर इंजेक्शन कोनी मिल पा रियो छे, जिसु मरीजा ने घनी परेशानी हो रही छे। मुख्यमंत्री बोलिया कि यदि समय रहता यो इंजेक्शन मरीजा ने मिल जावे तो वाकी जान बचाई जा सके छे। सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सु अपील कर बोलिया कि समयबद्ध तरीका सु एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन री उपलब्धता सुनिश्चित करावे, जिसु मरीजा ने समय पर इलाज हो सके और वाकी जान बचाई जा सके। हर साल 5 जून ने विश्व पर्यावरण दिवस मनायो जाए छे। राज्यपाल कलराज मिश्र सगला लोगा सु अधिक पौधा लगार पर्यावरण री रक्षा करवा रो आह्वान करियो छे। राज्यपाल बोलिया के बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन रे दुष्प्रभाव, पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ रिया दबाव ने कम करवा रे ताई ज्यादा सु ज्यादा पेड़ लगानो चाहिए। भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सरकार पर निशानो साध्यो छे। वा बोलिया के प्रदेश माए वैश्विक महामारी कोरोना रे दौरान दूसरी लहर माए मेडिकल उपकरणा री खरीद माए आपदा में अवसर जिशो नजर आ रियो छे। पूनिया बोलिया के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर रे अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट री अलग अलग दरा पर खरीद संदेह पैदा कर रही छे, वो भी उस समय जद लैब री टेस्टिंग क्षमता पर भार कम हुयो छे। कोरोना रे मुफ्त टीका रे ताई प्रदेश कांग्रेस अभियान चलायो छे। राजस्थान माए कांग्रेस रा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज राज्यपाल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपियो छे। जी के ताई डोटासरा राजभवन के माए राज्यपाल कलराज मिश्र सु चर्चा भी की, वटे ही प्रदेश रा सगला जिला माए कांग्रेस रा पदाधिकारी जिला कलेक्टर ने ज्ञापन सौंपियो छे। इक्रम के माए सिरोही सु निर्दलीय विधायक मुफ्त वैक्सीन रताई राष्ट्रपति के नाम सिरोही जिला कलेक्टर ने ज्ञापन सौंप दियो छे। संयम लोढ़ा बोलिया के इतिहास माए पहली बार छे के देश री सरकार जनता को ही पीसा, जनता री जान बचावा रताई खर्च करबा सु इनकार कर रही छे। एक तरफ तो प्रदेश कांग्रेस मुफ्त वैक्सीन रताई अभियान चला रही छे और दूसरी तरफ विपक्ष वा पर निशानो साध रियो छे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ प्रदेश कांग्रेस पर निशाना साधता बोलिया कि राजस्थान सरकार कोरोना प्रबंधन के माय फेल हुई छे और अब जिला कलेक्टर ने ज्ञापन देबा रो नाटक कर रही छे। राठौड़ बोलिया कि राजस्थान सरकार ने चाहिए कि वह पहली ई बात ने स्पष्ट करे कि आम जनता के सुरक्षा कवच री 11.5 लाख कोरोना वैक्सीन री डोज खराब किशा हुई। इके सागे ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कांग्रेस रे मुफ्त टीकाकरण अभियान पर तंज कसता बोलिया कि शर्म ने भी शर्म आ गई जद कांग्रेस फ्री वैक्सीन री मांग उठाई। कोरोना महामारी रे दौर माए सेवा ही सबसे बड़ो धर्म छे। कुछ अशोही कांग्रेसी नेता मनीष यादव और वाकी टीम भी कर रही छे। जयपुर जिला का विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा माए मनीष यादव और वाकी टीम जरूरतमंद परिवार ने पिछला 15 दिना सु घर घर जार खाद्य सामग्री वितरित कर रिया छे। जबकि ईसु पहली भी यादव विधानसभा क्षेत्र री 24 ग्राम पंचायत माए 16.5 लाख री लागत सु 4200 राहत सामग्री किट वितरित कर चुके छे। इस श्रृंखला माए विधानसभा क्षेत्र का खोरा लड़खानी, छारसा, सुराणा, कुंभावास, देवन, टोडी, नवलपुरा, मामटोरी रसागे 24 ग्राम पंचायत माए राहत सामग्री वितरित की जा चुकी छे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते निर्धन व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में जहाँ हम देखते हैं कि जरूरतमंद परिवार जिनको दो वक्त के राशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो आए दिन अपनी मजदूरी करके, दिहाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था, इस लॉकडाउन के चलते उसको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ा है, परेशान होना पड़ा है। ऐसे माहौल को देखते हुए हमारी टीम ने
इस बार ये निर्णय किया कि जरूरतमंद परिवारों तक राशन पहुंचाने का काम हम करेंगे। पिछले वर्ष भी हमने जो कोरोना की पहली लहर थी उसमें भी हर जरूरतमंद परिवार तक लगभग 30 लाख रुपए की लागत से हमने प्रथम लहर में हर जरूरतमंद परिवार तक राशन पहुंचाने का काम किया। अभी तक दूसरी लहर में हमने 24 ग्राम पंचायत में अब तक 4200 जो जरूरतमंद परिवार थे उन तक राशन पहुंचाने का काम किया है और इसकी लगभग 16 लाख की लागत हमने उसमें खर्च की है। अब इसके तीसरे चरण में हमने आज 2000 राशन किट लगभग 8 लाख रुपए की लागत से हमने तैयार किए हैं। रॉयल ग्रुप परिवार और मित्राय फाउंडेशन आज झोटवाड़ा थानाधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ रो सम्मान करियो। विक्रम सिंह री सजगता और चोको काम रताई वाको साफो और माल्या अर्पण कर स्वागत करियो गयो। बता देवा काल दो बच्चा के घरासू गायब हो बारी सूचना पर झोटवाड़ा थाना ने मिली तो तत्काल प्रभाव सू थानाधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ और वाकी टीम दोनों बच्चा ने सकुशल प्राप्त कर लियो। दोनों बच्चा खेलता हुआ घर सू थोड़ी दूर चला गया था, वटे खड़ी एक गाड़ी माए खेलवा लग गया और गाड़ी रे अंदर बंद हो गया। विक्रम राठौड़ और वाकी टीम समय रहता बच्चा ने ढूंढ लिया और वा ने गाड़ी सू निकाल लिया। ई कार्य के ताई सर्व समाज री ओर सू झोटवाड़ा थाना वाको स्वागत करियो गयो। ई मौका पर रॉयल ग्रुप रा संस्थापक रविंद्र सिंह और शेर सिंह सिंगोद, प्रदेश मीडिया प्रभारी सुमित अग्रवाल और करणवीर सिंह राजपुरा और मित्राय फाउंडेशन रे संयोजक डॉक्टर विनीत शर्मा और रश्मि शर्मा मौजूद रिया। सरकारी तेल कंपनियां दो दिना री शांति रे बाद आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामा माए बढ़ोतरी कर दी छे। आज पेट्रोल के दामा माए 28 पैसा और डीजल के दामा माए 31 पैसा प्रति लीटर री बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब जयपुर माए पेट्रोल रो दाम 101 रुपया 30 पैसा और डीजल रा दाम 94 रुपया 50 पैसा प्रति लीटर हो गया है। साल 2021 माए तेल कंपनियां 45 बार माए डीजल 13 रुपया 68 पैसा और पेट्रोल 12 रुपया 63 पैसा प्रति लीटर महंगा कर दियो छे। राजस्थान माए मौसम विभाग अगला दो दिना रताई अलर्ट जारी करियो छे। मौसम विज्ञान केंद्र रे अनुसार पश्चिमी राजस्थान रे जैसलमेर बाड़मेर सिरोही बीकानेर क्षेत्र माए तेज आंधी के साथ बारिश री भी चेतावनी जारी करी छे। इसु पहली राजस्थान माए बीता दो तीन दिना सु अलग अलग क्षेत्र माए बारिश और आंधी चालवा रो दौर जारी छे। ई दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार सु हवाएं भी चाली। राजस्थान री खबर माए फिलहाल इतनो ही। राम राम।